हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या कर रहे हैं कि हॉस्पिटल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि जो हमारा फील्ड है वो कौन सा है, हॉस्पिटल का। ठीक है, तो हॉस्पिटल का जो फील्ड है, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, लाइक हम जीडी का कोर्स कर रहे हैं तो हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट, पेशेंट केयर असिस्टेंट। उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वो अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टाफ नर्स के काम करता है हॉस्पिटल के अंदर। तो सबसे पहले जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो आइए हम हॉस्पिटल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हॉस्पिटल क्या होता है कि ये हॉस्पिटल की डेफिनेशन है। ए हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशंस, एक हॉस्पिटल है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है दैट हैज़ डिवर्स पीपल हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड, जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार की उनकी बैकग्राउंड होती है, विभिन्न प्रकार का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, एंड ट्रेनिंग वर्क टुगेदर टू प्रोमोट हेल्थ ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत सारी बैकग्राउंड के और बहुत सारे एक्सपीरियंस के लोग आते हैं और वहाँ पर एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं और पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट करते हैं। दे ऑफर वेरिंग रेंज ऑफ केयर यूजिंग डायग्नोस्टिक एंड क्यूरेटिव सर्विसेज, जहाँ पर डायग्नोस्टिक सर्विसेज मिलती है पेशेंट को और क्यूरेटिव सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक होती है जांच से रिलेटेड, ठीक है, जब हम किसी भी इंटरनल ऑर्गन पार्ट की जो है जांच करते हैं उसको डायग्नोस्टिक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर किसी के पेट में दर्द है, ठीक है, तो उसकी डायग्नोस्टिक स्टडी क्या होगी कि हम उसको क्या बोलेंगे कि आप USG करवा लो। ठीक है, USG अल्ट्रासाउंड को बोलते हैं। ठीक है, अब वैसे अल्ट्रासोनोग्राफी इसकी फुल फॉर्म होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो सबसे पहले जो है हॉस्पिटल है तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहला है H, यानी कि हील ऑल। हील का मतलब होता है ठीक होना, ठीक है, यानी कि अगर किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, या फिर कोई मतलब कुछ बीमार हो जाता है वो, तो उसको उसका ठीक होना क्या कहलाता है, हील होना। ठीक है, कहते हैं ना कि इसकी हीलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी हीलिंग कैपेसिटी कम है, यानी कि हील होना मतलब उसका किसी भी चोट से ठीक होना, ठीक है, या फिर किसी भी बीमारी से उसका ठीक होना। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन करना मीन्स उसको देखना कि उसको क्या दिक्कत है, ठीक है, किस चीज़ की उसको ज़रूरत है, किस टाइप की उसको प्रॉब्लम है और किस टाइप का उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। नेक्स्ट है सर्विंग ऑल, ठीक है, ये नहीं है कि भाई हम सिर्फ अपने हैं उनको ही केयर उनकी ही केयर करेंगे, ठीक है, इनके जो ज़्यादा पैसे वाले हैं उनकी ही केयर करेंगे, ठीक है, तो सर्विंग ऑल इनकी सबकी केयर करते हैं, ठीक है, इनकी चाहे कोई किसी भी टाइप का पर्सन हो तो सबकी सेवा करते हैं। ठीक है, आगे है प्रोवाइडिंग बेस्ट केयर, सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे से अच्छी केयर जो है प्रोवाइड करते हैं किसको, पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट इनकी मरीज़, तो अच्छे से अच्छी बेस्ट क्वालिटी की केयर उसको देते हैं। इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई भी आता है तो उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, उसको सेवा प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट केयर देते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, जांच करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है, यानी कि जैसे कि उल्ट का उसका ब्लड टेस्ट किया, ठीक है, और क्या कि उसको वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, या जो भी उसको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम ये पता लगा आते हैं कि पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आगे है उसका ट्रीटमेंट, यानी कि इलाज, ठीक है, उसके बाद उसका इलाज, उसके बाद एफिर्मेशंस, यानी कि एफिर्मेशन के अंदर क्या होता है कि उसको दिलासा दिलवाएंगे, ठीक है, कि आपको ये वाली दिक्कत है और आप जो है इतने दिन में ठीक हो जाओगे, ठीक है, और इस टाइप के जो पेशेंट हैं वो इतने दिन बाद ठीक हो जाते हैं और घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो उसको ये हम कन्फर्म दिलवाएंगे कि आपको जो है ये वाली डिजीज़ है या इंजरी है या इलनेस है और हमने आपका जो है अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और ये ट्रीटमेंट जो है आपका
बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा। आगे है लेजर, यानी कि उसके बाद उसके क्या कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं, यानी कि ये सब चीज़ें यानी कि यहाँ से लेकर उसका उसको ठीक करने से लेकर उसको घर भेजने तक, ठीक है, उसको घर वाला इन्वायरमेंट देने तक जो हॉस्पिटल है वो वर्क करता है। तो हॉस्पिटल की जो फुल फॉर्म है वो समझ आ गई, यानी कि ऐसे ही हील करना, सभी को ठीक करना, सभी को ऑब्जर्वेशन करना, सभी की सेवा करना, बेस्ट क्वालिटी की केयर देना, इन्वेस्टिगेशन जांच करना उसकी, उसका इलाज करना, उसको जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना और ठीक होने के लिए प्रेरित करना और उसको घर भेज देना, यानी कि ये सारे जो चेकअप करके ना उसको एक फैमिलियर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है डेफिनेशन। अब ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है, तो डेफिनेशन ये है कि वैसे ये जो एक छोटी सी परिभाषा है ये इसमें हॉस्पिटल का जो है क्या आता है कि हॉस्पिटल स्टैंड फॉर, ठीक है, इनकी हॉस्पिटल की जो है टर्म होती है तो उसका मतलब क्या होता है। अब अगर हम सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू WHO, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दी हॉस्पिटल इज एन, यानी कि डब्ल्यू जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके अनुसार जो हॉस्पिटल है वो एक इंटेग्रल पार्ट है किसका, सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, यानी कि समाज और मेडिकल दोनों चीज़ जुड़ी हुई होती हैं इसमें। दी फंक्शन ऑफ विच इज टू प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन कम्प्लीट हेल्थ केयर, ये लोगों को यानी कि जनसंख्या को कम्प्लीटली हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, केयर मीन्स देखभाल, बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, तो क्यूरेटिव सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रिवेंटिव, ठीक है, यानी कि किस तरह से अगर वो उसको कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसको क्यूरेटिव केयर देते हैं, और प्रिवेंटिव केयर यानी कि उसको ना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी उसको जो केयर प्रोवाइड की जाती है प्रिवेंटिव केयर बोलते हैं उसको। ये लाइक अगर किसी को फीवर हो गया हो जाता है, खांसी जुकाम नॉर्मल चीज़ें हो जाती है तो हम उसको प्रिवेंटिव मेजर प्रिवेंटिव केयर देते हैं, और अगर कोई बड़ी इलनेस या डिजीज़ हो जाती है तो उसको क्यूरेटिव केयर देते हैं। एंड हुज आउट पेशेंट सर्विसेज रीच आउट टू द फैमिली इन इट्स होम इन्वायरमेंट, दी हॉस्पिटल इज आल्सो ए सेंटर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर एंड फॉर बायो सोशल रिसर्च। जो आउट पेशेंट सर्विसेज हैं, कि टू टाइप की सर्विसेज होती है हॉस्पिटल में, एक OPD होती है, एक IPD होती है। OPD होती है इनकी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और ये होती है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो OPD में और IPD में सिर्फ इतना फ़र्क है कि OPD जो होती है उसमें पेशेंट आता है, अपना चेकअप करवाता है, दवाई लेता है और घर चला जाता है। IPD में होता है कि पेशेंट आता है लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो क्या होती है, क्रिटिकल होती है थोड़ी, और उसको हॉस्पिटल में रख लिया जाता है, ठीक है, तो उसको एडमिट कर लेते हैं, उसको IPD यानी कि इन पेशेंट केयर बोलते हैं। तो आउट पेशेंट केयर जो है इसलिए प्रोवाइड की गई ताकि किसी भी मरीज का जो है अच्छे से इलाज भी हो जाए और वो अपनी फैमिली के अंदर भी रह सके, क्योंकि जितना फैमिली में बंदा रहेगा अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगा तो वो उतना ही जल्दी जो है ठीक होगा।